अरे यार अभी खा के आया, बर्गर नहीं खाता मैं। अरे अगली बार आऊंगा फिर खाऊंगा तेरा बर्गर। तो गाइस यहाँ पे भाई लोग मिले थे, स्पेशल गाड़ी रोका इन्होंने, ठीक है। तो भाई ने लस्सी दिया है कि लस्सी। था ठीक है, बारिश भी बहुत हो रही है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, रेनकोट भी डाला हुआ है और अपना जो साइकिल है ना वहाँ पे खड़ी है, एक सिनेमेटिक शॉट ले रहा था। बाय द वे गाइस वेलकम बैक टू द मेन्यू इन द डेली ब्लॉग्स एंड आई होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली गुड। तो गाइस ये रास्ता जो है ना कम से कम 50 से 60 किलोमीटर काफ़ी चढ़ाई है, मतलब पैडल भी नहीं लग रहा है साइकिल का, इतना मतलब चढ़ाई है। तभी मैं चढ़ा रहा हूँ जैसे तैसे अपना टास्क पूरा कर रहा हूँ। तो अभी पीछे देख रहे हो बादल वगैरह देख रहे हो, कितना बढ़िया लग रहा है। और ट्रक्स तो ना काफ़ी स्लो चलता है यहाँ पे और बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी आ जाता है, तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं क्योंकि बैक साइड पे है ट्रक। तो चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं, आप लोग जो भी कराते हैं। चढ़ाई चढ़ना है हमने, अभी तो चढ़ाई चढ़ रहे हैं ऊपर, ठीक है। पहुंचने वाले कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे और रुकेंगे। अरे मस्त रास्ता है देखो ऊपर, भाई साहब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ले भाई तू भी आ जा। और क्या हाल है, और कैसे हो भाई? और भाई तू कैसा है? याद आ रहा है तेरा प्यार। अरे यार अभी खा के आया, बर्गर नहीं खाता मैं। अरे अगली बार आऊंगा फिर खाऊंगा तेरा बर्गर। अभी मुझे जाने दे, भैंस की आग बहुत दूर जाना है। मौसम तो काफी अच्छा हो रहा है यार, और यहाँ पे इतने लंबे लंबे सींग वाला गाय है है। मस्त भाई लोग थम्स अप देके जाते हैं ना। अभी चढ़ाई आया फिर अभी चढ़ाई चढ़ेंगे, गाड़ी वगैरह आ रहा है। चल यू कैन डू इट ब्रो, चलो। तो कैसे यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, फिर काम करता हूँ, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आप लोगों के साथ। आई होप आप लोग ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे इस पहाड़ के रोडों पे। है भाई फिर काम करता हूँ, यहाँ पे रुक जाता हूँ थोड़ी देर, कैमरा रख देता हूँ। तो मैं भी गाइस ब्लॉग जो है वो जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है, मैं भी है ठीक है। मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की, बट कल मैंने अपलोड किया था, अभी 8 घंटे हो गए, अभी तक 50 MB हुआ है, मतलब बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। तो मैं निकलने के लिए तो बारिश में भी निकल सकता हूँ, मेरे पास रेनकोट वगैरह सारा कुछ है, लेकिन मैंने कुछ आइटिनरी बनाया है कि मेरे को ये चीज़ फॉलो करना है, तो मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि बारिश में क्या रहता है ना, लैंडस्लाइडिंग का काफ़ी ख़तरा रहता है और ऊपर से पत्थर गिरते हैं, और मेरे पास स्कूटर तो है नहीं कि मैं उसमें फटाफट निकल जाऊँ, बट मैं साइकिल पे हूँ तो मेरे को ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बेशक टाइम लग सकता है जाने पर, बट अपना सेफ जर्नी होगा। तो गाइस यहाँ पे भाई लोग मिले थे, स्पेशल गाड़ी रोका इन्होंने, ठीक है। तो भाई ने लस्सी दिया है कि लस्सी पी लो, काम आएगा साइकिलिंग करते हुए। तो भाई लोग यहीं से है, दूध सप्लाई दही सप्लाई करते हैं, तो रोक के मेरे को दही दे दिया। एक मिनट रुक जाओ, एक तो ना ट्रक की आवाज़ काफ़ी आ जाती है, फिर वॉइस आता नहीं है, बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी आ जाता है। तो अभी लस्सी पी के फिर ऊपर जाएंगे। तो भाई लोग मिले, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मेरे को लस्सी पिलाया, तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। तो दोबारा मिलेंगे बोल रहे हैं, मैं मंडी तक पहुंचूंगा उससे पहले आ जाएंगे, क्योंकि साइकिल में आपको पता ही फिर टाइम लग जाता है। तो फिर मिल चलते हैं फिर आगे की ओर। तो वैसे भी मैं पहाड़ों के बीच में हूँ जहाँ पे खड़ी चढ़ाई है, और मेरे टांगे भी पूरा साथ दे रहा है। क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि मैं बार बार प्रोटीन ले रहा हूँ, फैट चीज़ खा रहा हूँ,
और फालतू चीज़ नहीं खा रहा हूँ, ऑयली चीज़ नहीं खा रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ सारा कुछ। एग खा रहा हूँ, वो भी उबला हुआ। तो यहाँ पे रहा अपना घोड़ा और चलते हैं अभी ऊपर की तरफ। दिन थोड़ा साफ हुआ है और बारिश भी रुक गया अभी तो चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से पूरी चढ़ाई है और डाउन हिल कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। ज़्यादातर मेरे को अप हिल मिल रहा है, मतलब जो खड़ी चढ़ाई रोड है वो मिल रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, थम सब, चलते हैं फिर आगे की ओर। तो गाइस सुबह से बारिश हो रहा है, तो ये आप देख रहे हो ना, ये गीला नहीं हो रहा है। आप टी शर्ट देख रहे हो ना, ये बारिश से नहीं गीला हुआ है, ये पसीना से गीला हुआ है। पिछले 20 किलोमीटर से साइकिल चला रहा हूँ और लगातार बारिश भी हो रहा है, तो थोड़ा बहुत गीले भी हो गए, शूज़ भी गीले हो गए। तो अभी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो थोड़ी देर के लिए दुकान पे रुका हूँ, यहाँ पे चेंज करके फिर आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो गाइस आज मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गया हूँ, तो यहाँ पे मैं रुका हूँ बिलासपुर से थोड़ा आगे, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़ोर से हो रहा था, तो आगे जाने में कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे रुक गया मैं, मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, आराम से रात काट लूँगा, फिर सुबह सुबह निकल जाऊँगा आगे की ओर।